हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स के अंदर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम आप लोगों के लिए जो आज जितने भी फील्ड क्रॉप्स की जितनी भी सीड रेट है, जितने भी फील्ड क्रॉप्स वगैरह है, तो उनकी सीड रेट्स वगैरह है वो एक जगह एक बुक के अंदर मिल नहीं पाती है फ्रेंड्स। तो उसी के रिगार्डिंग अपन आज सभी क्रॉप्स वगैरह की सीड रेट की बात करेंगे। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन इसके अंदर ट्रिक्स वगैरह की बात करते हैं, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं ट्रिक्स की। तो फ्रेंड्स, आज की जो ट्रिक्स है वो है राइस क्रॉप के ऊपर। जो राइस क्रॉप होती है उसके अंदर जो तीन सीज़न के अंदर जो क्रॉप ली जाती है फ्रेंड्स, जैसा कि सीज़न फर्स्ट है अस, सेकंड है अमन और थर्ड है बोरो। तो उसके अंदर फ्रेंड्स होता क्या है कि एक तो अस हो गया और एक है अमन और एक है बोरो। तो फ्रेंड्स, इनके अंदर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन से सीज़न के अंदर या कौन से माह के अंदर कौन सी क्रॉप ली जाती है या कौन सा सीज़न का लिया जाता है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन हर एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, जो राइस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो आज ट्रिक बताने जा रहे हैं वो ट्रिक है कि एज ए फ्रेंड्स अपने को कोरिलेट करना है अपने को। देखो, चाहे कोई भी हो, अपना आंसर सही होना चाहिए, अपना क्वेश्चन सही होना चाहिए, ये मोटो रहता है, चाहे ट्रिक कैसे भी हो कैसे भी नहीं हो। तो फ्रेंड्स, आज की जो ट्रिक है कि वो है कि एक फ्रेंड होता है, यानी कि दो फ्रेंड होते हैं लड़के, तो वो एक फ्रेंड दूसरी फ्रेंड को क्या बोलता है कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोलता है कि यार तेरी गर्लफ्रेंड तो है ना पुरानी है, तो पता है वो दूसरा वाला क्या बोलता है, सबको अपनी अपनी अच्छी लगती है। तो ये ट्रिक होने वाली है, वो आप गर्लफ्रेंड से या कोई भी गर्ल्स है तो बॉयज़ से कोरिलेट करके कर लेना कि जो होगा वो होगा कि सब अपनी अपनी जान को नहीं बताते हैं, या तो नहीं बताएंगे या फिर अच्छी बताएंगे, कि सब बोलते हैं ना हाँ ये तो नई है या फिर न्यू है। तो हर फ्रेंड्स कि कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड को या कोई भी अपने बॉयफ्रेंड को कोई पुराना नहीं बताता कि हाँ ये मेरा पुराना हो गया या दूसरा, सब अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को नया ही बताते हैं। तो उसी के संदर्भ में अपन बात करेंगे जो एस अमन और बोरो। तो फ्रेंड्स, इसकी जो ट्रिक है वो आपको बता दी, तो वो है कि अपनी से कोरिलेट कीजिएगा फ्रेंड्स, अपनी अप्रैल और मई, अपने से अप्रैल और मैं, अपनी जानू को कोई पुराना नहीं बताता, सब बताते हैं नया। तो उसी से अपने से अस का हो जाएगा अपने, तो अपने से हो जाएगा अप्रैल में, और जानू को हो जाएगा जून जुलाई, और जो नई बताते हैं तो वो हो जाएगा नवंबर दिसंबर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को अभी ये याद हो गया होगा, अस अमन बोरो, तो अपनी ट्रिक थी वो यही थी। और अब बात कर लेते हैं जो अपना मेन टॉपिक है, वो है कि सभी क्रॉप्स वगैरह की सीड रेट क्या होती है। हर एक बुक के अंदर मिल नहीं पाती है एक जगह, कई बार देखना पड़ता है, कई बार गूगल पे देखना पड़ता है, कई बार अदर बुकों में देखना पड़ता है। तो अपन आज बात कर लेते हैं सीड रेट की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट अपन बात करते हैं राइस की, जो ट्रांसप्लांट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाके उगाते हैं, जो नर्सरी तैयार करके दूसरी जगह लगाई जाती है, वो 50 से 60 kg पर हेक्टेयर प्लांटिंग की जाती है। फ्रेंड्स, जो सीड रेट यूज़ होती है वो 50 से 60 kg पर हेक्टेयर यूज़ होगी, और जो ब्रॉडकास्टिंग होती है ये जिसको छिड़काव द्वारा किया जाता है वो होगी 80 से 100 kg पर हेक्टेयर। फ्रेंड्स, तो याद रखना कि ब्रॉडकास्टिंग के अंदर हमेशा ही ज़्यादा ली जाती है फ्रेंड्स, ज़्यादातर किसी भी क्रॉप में देख लेना। तो अब बात करते हैं राइस की हो गई, अब बात करते हैं वीट की। तो वीट की जो सीड रेट है वो 100 से 125 kg पर हेक्टेयर होगी फ्रेंड्स, जो 100 से 125 पर kg हेक्टेयर होगी फ्रेंड्स। और हाई जो बात करते हैं मेज़ की, जो थर्ड क्रॉप है, तो फ्रेंड्स इसका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीपीजी में, IBPSSO में भी पूछा गया, नाबार्ड के अंदर भी पूछा गया, AFO में भी पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जो मेन है इसका याद रखना कि एकमात्र ये ऐसी फील्ड क्रॉप है जिसके अंदर की हाइब्रिड की सीड रेट ज़्यादा होती है, ओनली एकमात्र ये क्रॉप है जिसके अंदर की हाइब्रिड की सीड रेट ज़्यादा होती है, 20 से 25 होती है, और जो कंपोस्ट होती है तो उसकी होती है 15 से 20 kg पर हेक्टेयर। तो इसके अंदर देखना हाइब्रिड की ज़्यादा होगी फ्रेंड्स, ओनली एक सिंगल एक मात्र ये मेज़ ऐसी क्रॉप है जिसकी हाइब्रिड की जो सीड रेट होगी वो ज़्यादा होगी, ये याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स।
और अब ये नेक्स्ट बात करते हैं सोरगम, मूंग और अरहर, वो होती है 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर। जो पर मिलेट होगी वो ली जाती है 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर। ग्राम होगा वो 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर। अब बात करते हैं फील्ड पी, तो फील्ड पी के अंदर भी 75 से 100 केजी पर हेक्टेयर यूज़ लिया जाता है। या उड़द हुई, काउपी या सनहई या स्नैम्प, वो 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। फ्रेंड्स, इन जो सीड रेट होती है इनमें से एक दो क्वेश्चन कंपलसरी आते ही आते हैं, 100% आते हैं फ्रेंड्स, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो लेथरा ऐसा है, जो प्योर क्रॉप होगी उसकी तो होगी 40 से 50, एंड मिक्स क्रॉपिंग में उगाएंगे तो वो होगी 80 से 10, क्योंकि उसके अंदर मिक्स कर देंगे तो सीड रेट कम हो जाती है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। और अब लेंटिल और लाइन सीड, उसकी है 30 से 50 केजी पर हेक्टेयर फ्रेंड्स। अब बात करेंगे सोयाबीन की, सोयाबीन की भी कई बार पूछ ली गई है और पूछी जाती है फ्रेंड, तो याद रख लीजिएगा 70 से 80 केजी पर हेक्टेयर। और अब बात करते हैं सनफ्लावर की, उसकी 15 केजी पर हेक्टेयर होती है। सनफ्लावर या सुगर बीट, जूट, ये इनकी होगी वो सेफ फ्लावर है फ्रेंड्स, ये सेफ फ्लावर्स हैं, ये है सनफ्लावर, तो ये दोनों अलग अलग है, ये देख लीजिएगा, ये 15 केजी हो जाएगी। और सनफ्लावर की होगी वो 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर होगी। ग्राउंडनट के अंदर बंच टाइप की होगी वो होगी 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर। और जो स्प्रेडिंग टाइप की होगी वो 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर होगी। और तिल की होगी 3 से 4 केजी पर हेक्टेयर। और रेप सीड एंड मस्टर्ड की होगी वो होगी जो प्योर क्रॉपिंग होगी 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर यूज़ होगी। और मिक्स के अंदर यूज़ लेंगे तो मैंने बताया पहले भी कि मिक्स के अंदर हमेशा कम यूज़ ली जाती है, क्योंकि मिक्स का अंदर हो जाता है कि दो से ज़्यादा क्रॉप हो जाती है उसके अंदर, तब 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर, तो इसके अंदर आधा फर्क पड़ रहा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। क्लस्टर का 10 केजी पर हेक्टेयर, कॉटन का 10 से 12 किलो केजी हेक्टेयर, और हाइब्रिड कॉटन और टोबेको का 2.5 से 3 केजी हेक्टेयर फ्रेंड्स, यानी कि 2.5 केजी से 3 केजी तक पर हेक्टेयर यूज़ लिया जाता है। पोटैटो का होगा वो ट्यूबुल्स वगैरह यूज़ लिए जाते हैं इसके अंदर, तो वो जो सीड ही माने जाते हैं वो ट्यूबुल्स को, वो 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर यूज़ लिए जाते हैं फ्रेंड्स। और कोंडो का यूज़ लिया जाता है 6 से 8 केजी, ल्यूसर्न का लिया जाता है 20 केजी, बर्सिम का जो डिप्लोइड स्पीसीज है उसका 20 से 25, एंड ट्रिप्लोइड्स है उसका 30 से 35 फ्रेंड्स, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो बात करेंगे जो फोडर मेज है जिसको चारे के लिए यूज़ में लिया जाता है, उसके लिए 40 से 60, और फोडर बाजरा है उसकी भी 20 से 30। अब फ्रेंड्स, जो फोडर का मतलब होता है घास के लिए या चारे के लिए जो यूज़ की जाती है, तो चारे का मतलब श्योर सी बात है कि उसको ज़्यादा सीड की आवश्यकता होगी चारे के लिए उगाएंगे, तो उसको कोरिलेट करके कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वैसे उगाते हैं क्रॉप के सिस्टम के हिसाब से तो उसके अंदर कम यूज़ होता है, और फोडर के हिसाब से ज़्यादा सीड रेट यूज़ ली जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को ये सब की सीड रेट एक जगह मिल गई होगी, तो फ्रेंड्स ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।